अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं जा रहा हूं कराची से बहरीन, कराची से दोहा जा रहा हूं विया बहरीन। तो ये जो रिव्यू व्लॉग होगा गल्फ़ एयर का, तो हमारी फ़्लाइट जो है वो पहले बहरीन जाएगी, फिर उसके बाद हम दोहा जाएंगे। तो हमारा बोर्डिंग पास आ गया है और ये कराची टू बहरीन का बोर्डिंग पास है। जहाज़ में एंटर हो गए हैं हम लोग। ये बिज़नेस क्लास की सीट्स हैं इसकी, मतलब मेरे ख़्याल से बहुत ही बजट एयरलाइन है। और आप देख सकते हैं इनकी, अब ये जो है इकोनॉमी क्लास आ गया। सीट्स सही हैं, मुनासिब सीट्स हैं। अब बैठते हैं और आपको इसका लेग स्पेस दिखाते हैं कि कितना है। जी तो बैठ गए हम अपनी सीट पर और लेग स्पेस सही है, मिनिमल है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। और ये फूड ट्रे है और ये पानी रखने की ट्रे है। बाकी हेडरेस्ट के लिए जो कर्व्ड होता है हेडरेस्ट वो तो है। बाकी बस अब फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है और बहरीन पहुंच के आपसे इंशाल्लाह बहरीन का एयरपोर्ट दिखाएंगे। खाना आ चुका है हमारा और खाने में जो है वो हमारे पास है ऑमलेट है, बॉयल्ड आलू हैं और सॉसेजेस हैं, स्पिनच थी। खैर बहरीन एयरपोर्ट पहुंच गए हम लोग और ये देखें, ये पूरा प्ले एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे अडल्ट और किड्स दोनों के लिए है और प्ले स्टेशन वगैरह सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। मगर अगर आपका 4 घंटे या 12 घंटे का ले ओवर है तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है यहाँ पर अपना टाइम गुजारने के लिए। खैर मेरा ले ओवर जो है वो सिर्फ 2 घंटे का है यहाँ पर, तो मैं तो एयरपोर्ट घूम रहा हूँ और आप लोगों को भी घुमाता हूँ। तो आप लोग भी एयरपोर्ट घूमें और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को बहरीन का एयरपोर्ट कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
एयरपोर्ट घूम घूम के हम भी थक गए हैं थोड़ा सा, और अब जो है वो बस अपने गेट के पास जाके बैठ जाएंगे। 12B हमारा गेट है और उसके सामने बैठ जाएंगे, और हार्डली 25 to 30 मिनट्स में अनाउंसमेंट हो जाएगी कि बोर्डिंग होना शुरू हो गई है। तो बस अब हम जो है वो जहाज़ में बैठते हैं और आपको दिखाते हैं कि दोहा से बहरीन से सॉरी बहरीन से दोहा की फ़्लाइट कितनी देर की है। सिर्फ 55 मिनट्स की है फ़्लाइट जो है, और जहाज़ कैसा मिला हमें और खाने में क्या मिला तो वो भी बताते हैं। बोर्डिंग शुरू हो गई है हमारी, और बस जहाज़ में बैठते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो जहाज़ में एंटर हो गए हैं हम और अपनी सीट की तरफ जाएंगे। छोटा जहाज़ है काफ़ी, और फ़्लाइट जस्ट 55 मिनट्स की है, और वो बिज़नेस क्लास थी, ये इकोनॉमी क्लास है। सेम टू सेम वैसे ही जहाज़ है जैसा कराची से उड़ा था, और कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। बाकी सीट्स बैठते हैं, अच्छा इसमें थोड़ा सा लेग स्पेस अच्छा है, थोड़ा सा ज़्यादा है लेग स्पेस है। और ये बाहर का व्यू चेक कर लीजिए, और एलसीडी लगी हुई है लेकिन चल नहीं रही है ये एलसीडी, बस दिखावे के लिए। चलती होगी किसी ज़माने में लेकिन अब नहीं चलती। और ये खाने की ट्रे आ गई सामने, जो है वो सेफ्टी मैनुअल्स वगैरह रखे हुए। भाई 55 मिनट की फ़्लाइट में हमें सिर्फ स्नैक्स और पानी मिला है, और ये हैं हालात। तो जहाज़ चलना शुरू हो गया है, बस थोड़ी ही देर में टेक ऑफ करेगा, और आप लोग को लैंडिंग दिखाते हैं कि लैंडिंग किस तरह की थी। के करीब पहुंच गए हैं और बस लैंड होने वाला है जहाज़। और 1 2 3, ओ खैर बहुत बुरी तरह से लैंड किया यार ये जहाज़, मतलब इससे बुरी लैंडिंग मैंने आज तक नहीं देखी है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम दोहा पहुंच गए हैं साथ खैरियत के साथ। उम्मीद है आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा और रिव्यू भी पसंद आया होगा। एयरलाइन अच्छी थी, बजट फ्रेंडली थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही गई गुजरी थी। फ्लाई दुबई से कंपेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।